Alright guys, welcome to the top 5 of this week. So many things we will talk about. Lakshadweep, also Manipur और हमारे Bollywood के hypocrite actor. पहले थोड़ी सी हम पेट्रोल के बारे में बात करेंगे. बहुत सब कुछ है. We are going to present you those things जो कि देश के लिए जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है. गोदी मीडिया नहीं दिखाता. If you're liking this series, please press the subscribe and share the video. तो करना. Yeah, so many people are talking about it. In the beginning, there was a wave of hope कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने वाले. विपक्षी लोग तो ये भी बोलते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने गिरते जा रहे हैं, फिर भी नहीं कम कर रहे हैं. मतलब क्या चल रहा है? But seriously, this is a golden time. Yeah, चुनाव आने वाले हैं. मतलब थोड़ी मर्यादा तो रखिए, ऐसे ही कम कर दो, चुनाव के नाम भी कम कर दो. पर हो नहीं रहे. Why? कि अब तो कर दो पेट्रोल सस्ता, आम आदमी की हालत हो गई है खस्ता. That's why we need a strong media. मीडिया अगर दबाव बनाए ना, तो बहुत सारी चीजें सरकार को मजबूरी में कम करनी पड़ जाती है. लेकिन यहाँ तो मीडिया उल्टा आ जाएगा, बोलेगा अच्छा देश हित में आप पैसे नहीं दे सकते, वो आप ही को ब्लेम कर देंगे आके दलाल. इसी पर एक पर्सनल सवाल हो जाए देवी और सज्जनों की, पेट्रोल के दामों को देख कर आपके मन में पेट्रोल के लिए क्या ख्याल आता है? ए, थोड़ी मर्यादा रखिए. बी, थकते क्यों नहीं है आप? सी, ये सेंटीमेंट मेरे दिमाग से जाता क्यों नहीं है? या फिर डी, पेट्रोल के दामों को देखकर आप कहते हैं मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो. दिस थिंग ईगो, अहंकार, लोगों पे रौब जमाना के खिलाफ आपके आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? ये जनता के सेवक का दृष्टिकोण नहीं हो सकता. कोई भी व्यक्ति राजनीति में इसलिए आता है, चाहे वो इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, कि वो जनता की सेवा कर सके. यानी कि पावर के बाद लोगों को ही थप्पड़ अप्पड़ मारना शुरू कर दे. एक और इंसिडेंट आया है जो कि बहुत गलत है. मैं बता दूं कब से बातें चल रही है. ये भाई साहब जिन्होंने सिर्फ एक मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है. He was full of ego. दबदबा था, दबदबा रहेगा. Then he said, I am going to resign. इनका मोए मोए हो गया. पुस्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूँ. I showed you this guy also. He is from Rajasthan. He was scolding her. आप किससे विद्वेष कर रहे हैं? आपको पता है? Now check out this entire video. He is slapping a government officer. Not acceptable at all. He is BJP MLA Sunil Kamble. And he gave a very weird answer. No, listen to it. और ये आप देख रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो लेफ्ट हाथ से मैंने उसको संभाला. लेफ्ट हाथ से नहीं मारूंगा मैं तो राइट हैंड वाला है, हैंड वाला हूँ. नहीं सुनील, सुनील कामले जी, एक का वीडियो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. कुछ न्यूज चैनल पूछ रहे हैं, एक यही न्यूज चैनल पूछ रहा था सवाल कि भाई आपने थप्पड़ क्यों मारा? तो उन्होंने बोला मैं क्या है कि राइट हैंडेड हूँ, वो लेफ्ट से मारा वो कंसिडर नहीं होगा. मैं तो राइट हैंड वाला है, हैंड वाला हूँ. तो मैंने मारा ही नहीं. ड्यूटी पर है, उसको थप्पड़ मार रहे हैं. मैडम आपने जो वीडियो जो देख रहे हैं आप, वो गलत है. और समझने कुछ वो कह रहे, वो तो गिर रहा था तो मैंने उसको संभाला है. अरे ऐसे कौन संभालता है यार? वो मेरे पीछे से आके गिर रहा था तो उसको संभालने के लिए मैंने ये किया है. अच्छा खैर, ये सही नहीं है. देश संकट में है. They are public servants. You can't behave like this. Now let's talk about the entire controversy about Maldives. Yes, अगर वो देश का अपमान करे, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करे, देश की जनता का अपमान करे, तो सारे लोगों को एक साथ खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए. What they did was completely wrong. बाद में Maldives के जो political leaders, उन्होंने माफी भी मांगी, अपने नेताओं को हटा भी दिया. Now let's talk about Lakshadweep and the pictures and the Bollywood stars. लक्षद्वीप में जितना टूरिज्म बढ़े अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, और देश से बढ़कर कुछ नहीं. कंट्री फर्स्ट. बट हियर सम पीपल फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी वर आस्किंग दैट प्रधानमंत्री जी इज गोइंग टू लक्षद्वीप टू प्रमोट द टूरिज्म. ग्रेट. व्हाट अबाउट मणिपुर सर? व्हाट अबाउट दैट? मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन. हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी उसको प्रमोट किया, लाइक मिस्टर सचिन तेंदुलकर, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर एंड ऑल. वेरी गुड, वेरी नाइस. बट लेट मी टेल यू, नो स्टार, नो बॉलीवुड स्टार, क्रिकेट स्टार ट्वीटेड अबाउट मणिपुर. कीप दैट इन योर माइंड. Now, Mr. Akshay Kumar. पर हाँ, अक्षय कुमार, इफ समवन विल शो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर प्राइम मिनिस्टर और आवर कंट्री,
वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. ही गेव अ गुड रिप्लाई, डैम गुड. पर सर, मालदीव्स में सबसे ज्यादा आप ही घूमने गए हो. इनके कुछ वीडियो पुराने वायरल हुए. ही वाज सेइंग दैट इफ द कैरेक्टर इज फ्रॉम मैसूर और पुणे और समवेयर फ्रॉम इंडिया, ही विल बिहेव लाइक दिस. तो फिर मैं अपने प्रोड्यूसर या राइटर से जब भी कहानी सुनता था तो कोई भी कहानी के वक्त ऐसे बोलता था, जी कहानी शुरू होती है आप मैसूर में, चल बे बाहर चल. मतलब अगर कैरेक्टर लंदन का हो तो तुम बिठाते हो, ऐसा कुछ चल रहा था हैं? पूना से है. लेकिन इंटरवल में आप लंदन पहुंचेंगे, ठीक है तब आना जब लंदन. कोई ऐसी फिल्म लेके आ जो मैं बाहर ही हूँ. कोई ऐसी फिल्म लेके आ जो मैं बाहर ही हूँ. ऑन द इंटरनेट पीपल वर डिगिंग आउट मोर. नाम ट्रेंड करने लगा भाई साहब का, और इनका इंस्टाग्राम जाके देखो, मालदीव्स की पिक्चर्स और रील से भरा हुआ है. लोगों ने कहा, यार हमको क्यों लेक्चर कर रहे हो, खुद जा रहे हो. मैं तो खुद मालदीव्स नहीं गया हूँ कभी, आप में से कितने नहीं गए होंगे. ये भाई साहब वहाँ घूम के आए और आप सबको कह रहे तुम सब लक्षद्वीप जाओ. हम जाएंगे हमारे देश के लिए, हम जाएंगे. पर आप क्या कर रहे थे, ये वीडियो. इसी बात पर एक डीप वाला मार रहा हूं, छोटा सा गौर फरमाइएगा कि जिसे लगी हो बाहर की हवा, जिसे लगी हो बाहर की हवा, वो कहां रहा है किसी का सगा. दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. हर इंसान के अंदर एक जानवर छुपा होता है. आइए इनके अंदर के को जानते हैं. ये जानवर बाहर से आया हुआ होता है, लेकिन उस जंगल के प्राणियों को हमेशा ये सिखाता है कि जंगल में कैसे रहें. ये हमेशा आम के पेड़ों पर पाया जाता है. इसे प्रायः अलग अलग तरीके से आम खाने के लिए जाना जाता है. और मजे की बात यह है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान भी ये बार बार कैमरे के सामने आ रहा था. लगता है इसे बार बार कैमरे के सामने आना बहुत पसंद है. And then let's talk about some more people. Yeah, our beloved. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? And last year when we sat together and we were discussing about the flops of 2023, this movie came number one. इस movie के साथ टिकट ही नहीं बिकी. मतलब हेडलाइन बन गई थी कि पहली पिक्चर ऐसी जिसका एक टिकट नहीं बिक रहा है. इसी के साथ एक और मूवी रिलीज हुई थी, 12th फेल. मैं फोर्थ पास नहीं बोल रहा हूँ, 12th फेल. So yeah, it became flop, but everybody was praising 12th fail and people are loving it. इसलिए हमेशा मैंने पहले ही बोला था, अहंकार मत रखो यार, मत रखो ईगो. On one of her posts, she called this guy, the 12th fail actor, cockroach. मी कहाँ से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल. Now she is praising his work. विक्रांत मैसी is beyond amazing. In his coming years, he might just fill the void इरफान खान साहब left behind. Solution to your talent. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लोग सब देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे सब वायरल हो जाता है. लोग बेवकूफ नहीं है, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं. मेरा आप लोगों से बहुत पुराना नाता है, ये बात तो सच है. Because you are also knowing it and I am also knowing it. कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर मैं ऐसा बोलूं तो. पर जब मोदी जी बोलते हैं ना तो सही में सरप्राइज होता. अभी एक चीज और, नहीं नहीं नहीं, आई लव एंड रिस्पेक्ट माई प्राइम मिनिस्टर, बट एक चीज और वायरल हो रही है और लोगों से, अच्छा ये कब हो गया. चाय बनारस की बड़ी मशहूर है, आप तो यहाँ पे घाट पे काफी आते थे बचपन में, पहले जब आप बड़े हो रहे थे. बचपन में नहीं, मेरा एक जीवन का कालखंड था जब मैंने गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा दर्शन करने के लिए मैं निकला था. There are so many important things, whether you are a BJP supporter or a Modi ji fan, but at least you love your country, right? I mean, why people are leaving our country? इतना बड़ा नंबर है, बहुत सारे लोगों ने देश की नागरिकता को छोड़ा है, और ये वो लोग नहीं थे जो कि बहुत, एंड दीज आर रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल. देश संकट में है. अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चंस आर फॉर मीडिया, न्यूज चैनल्स, व्हाई दे आर नॉट कवरिंग ऑल दीज थिंग्स. हसदे फॉरेस्ट गाइस, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं. मैं नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, पर हसदेव फॉरेस्ट को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं. एक सवाल नहीं आता यार. अगेन आई एम टेलिंग यू, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है. अगर मीडिया अपना काम ईमानदारी से करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देश का भला होगा, जनता का भला होगा. बस ये हमारी कोशिश होती है. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.